मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो वी रीड हार्ड वर्ड्स ऑफ चैप्टर टू. टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट चैप्टर टू वर्ड ऑफ प्लांट्स. देयर इज अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स ऑन द अर्थ. पृथ्वी पर कई प्रजाति के या कई किस्मों के पेड़ पाए जाते हैं. दे आर ऑफ मैनी साइजेस शेप्स एंड कलर्स. वे विभिन्न आकृति आकार और कलर के रंगों के होते हैं. सम प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड. कुछ पौधे भूमि पर उगते हैं. वाइल सम ग्रो इन वाटर. कुछ जल में उगते हैं. सम ग्रो इन कोल्ड प्लेसेस वाइल अदर्स ग्रो इन हॉट प्लेसेस. कुछ ठंडे स्थानों पर बढ़ते हैं और कुछ होते हैं वो गर्म स्थानों पर बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ प्लांट्स. ट्रीज वेरी बिग टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. वे बहुत बड़े ऊंचे और मजबूत पौधों को क्या कहते हैं? पेड़ कहा जाता है. दे हैव अ थिक ब्राउन एंड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक. वे क्या रखते हैं? वे कैसे होते हैं? मोटे भूरे और वुडी स्टेम यानी लकड़ी के मोटे तना होता है जिसे ट्रंक कहते हैं. दे हैव मैनी ब्रांचेस दैट बियर लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. उनके पास पत्तियां फूल और फलों से लदी शाखाएं होती हैं. दे हैव थिक एंड स्ट्रॉन्ग रूट्स. उनमें उनकी मोटी और मजबूत जड़ें होती हैं. ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर्स. पेड़ होते हैं वह कई वर्षों तक जीवित रहते हैं. एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज मैंगो ट्री, बनियान ट्री, नीम ट्री एंड कोकोनट ट्री. श्रब्स मीन्स झाड़ियां. श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज. यह पेड़ों की तुलना में छोटी होती हैं. दे हैव मैनी थिन ब्राउन एंड वुडी स्टेम. उनके पास कई पतले भूरे और लकड़ी के तने होते हैं. दे आर आल्सो कॉल्ड बुशेस. इन्हें बुशेस यानी झाड़ी भी कहा जाता है. मोस्ट श्रब्स लिव ओनली फॉर अ फ्यू ईयर्स. यह अधिकतर झाड़ियां होती हैं वो कुछ वर्षों तक ही जीवित रहती हैं. एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स कैक्टस एंड रोज. नेक्स्ट इज हर्ब्स. हर्ब्स आर वेरी स्मॉल एंड वीक प्लांट्स. जड़ी बूटियां बहुत छोटे और कमजोर पादप होते हैं. दे हैव थिन ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम्स. वे पतले हरे और मुलायम तने होते हैं उनके. दे लिव ओनली फॉर फ्यू मंथ्स. वह कुछ महीनों के लिए ही जीवित रहते हैं. एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स मिंट कोरिएंडर वीट एंड ग्रास. कोरिएंडर मीन्स धनिया, गेहूं और घास. नेक्स्ट इज क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स मीन्स ऊंचे चढ़ने वाले पौधे. क्लाइंबर्स आर प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स. ऊपर चढ़ने वाले जो पादप होते हैं उनका तना कैसा होता है? कमजोर. दे कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट. वह सीधे खड़े नहीं हो सकते. दे क्लाइंब ऑन अदर प्लांट्स स्टिक्स और वॉल्स टू ग्रो. उनको बढ़ने के लिए ऊपर चढ़ने के लिए दूसरे पेड़ों छड़ी और दीवार की आवश्यकता होती है. एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स ग्रेप वाइन, मनी प्लांट एंड गॉड प्लांट. नेक्स्ट इज क्रीपर्स. क्रीपर्स मीन्स लता या बेल. क्रीपर्स आर वीक प्लांट्स दैट मोस्टली ग्रो अलोंग द ग्राउंड. जो लता या बेल होती है वह कमजोर पौधे होते हैं. वह मोस्टली कैसे बढ़ते हैं? ज्यादातर जमीन के साथ बढ़ते हैं यानी जमीन पर लेटे हुए बढ़ते हैं. दे हैव वीक स्टेम्स. उनका तना कमजोर होता है एंड थिन ब्रांचेस और पतली शाखाएं होती हैं. दे यूजुअली बियर बिग फ्रूट्स. उनके आमतौर पर बहुत बड़े फल
होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर्स, मेलन, पम्पकिन, वाटरमेलन एंड कुकुम्बर। नेक्स्ट इज वॉटर प्लांट्स। सम प्लांट्स ग्रो इन वॉटर। जो पौधे पानी में उगते हैं, कुछ पौधे दे आर कॉल्ड वॉटर प्लांट्स, वे जली पादप कहलाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वॉटर प्लांट्स, वॉटर लिली, लोटस एंड जलकुंभी। ओके स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो। कंप्लीट द एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 10 एंड 12 इन योर बुक एंड लर्न टाइप्स ऑफ प्लांट्स। लुक हियर, राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच काइंड ऑफ प्लांट्स। आपको यहां पर एग्जाम्पल्स लिखने, टू एग्जाम्पल्स ट्री, हर्ब एंड क्लाइंबर के। इन दिस एक्टिविटी आपको यहां पर जहां ट्री है वहां टी लिखना है, जहां श्रब है वहां एस एच लिखना है, जहां हर्ब है वहां एच लिखना है, और क्लाइंबर है वहां सी एल लिखना है, और क्रीपर है वहां सी आर लिखना है। डू इन योर बुक। थैंक यू।